सुना, मैडम का शेयरिंग सुना, बहुत इमोशनल हो रहा था उस टाइम, बिकॉज जिंदगी में दो बार क्राउन बना हुआ है, एक माइनर पैन कार्ड से, माइनर पैन कार्ड मतलब मेरा ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उम्र का 17 साल था जब मैं ये इंडस्ट्री में आया, माइनर पैन कार्ड था, मेजर भी नहीं था उससे, तो माइनर पैन कार्ड से मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्तों जिंदगी में 20 साल की उम्र में 1 CR क्रॉस किया था जब मेरा उम्र 20 था, और बहुत सारा सक्सेस जिंदगी में पाया, जिंदगी में दो ही कंपनी मैंने किया, बहुत सारा कंपनी करके नाम खराब करके डीएक्सएल में आया हूं ऐसा नहीं। लेकिन आज मुझे जो आपको एक मैसेज देना है कि आप कितने सेफ हो और मैं कितना सेफ होने जा रहा हूं, ये मुझे आज समझ में आया। वैसे बोलते हैं ना ये फूल बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन इसको बनाने के लिए जितना खेती से लेके यहां तक जितना मेहनत हुआ है वो मेरे को पूरा यार चेयर पे बैठ के याद आ रहा था कि जब क्राउन बने थे, जब 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों का टीम था, लोग संभाल रहे थे, अचानक से कंपनी स्टॉप हो जाता है, और जितना भी मेहनत है मेरा जिंदगी का 2013 ये सबसे बुरा साल, जब मेरा टीम लाखों लोगों का था, एक बहुत कम उम्र में स्टेज पे आने के बाद इतना सक्सेस जिंदगी में देखा और जिंदगी में फिर जीरो बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंपनी। लोग ऑटोग्राफ लेते थे, सर आपने इतने कम उम्र में अचीव किया, ऐसा किया वैसा किया, सॉरी। लेकिन वो चीज आपको शेयर करना चाहता हूं कि जिंदगी में अचीवमेंट हुआ, सब कुछ चीजें हुई, फिर गिरे, लोकांचं जे नाव ठेवायचं, लोक जे नाव ठेवत होते आलाका शून्य झाले की हाऊस, 2013 मध्ये अक्षरशः ज्या गाड्या घेतल्या होत्या, फोर व्हीलर घेतल्या होत्या, विकाव लागल्या, पूर्ण नेटवर्क कोलॅप्स झालं। त्याच्यानंतर मी ट्रेनिंग कंपनीमध्ये ट्रेनिंग कंपनी स्वतःची केली, लोकांना एज्युकेशन द्यायला सुरुवात केली की आपण एक चांगलं उभरू शकतो, आणि त्या दरम्यान मी एक प्रिव्हिलेज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीला जॉईन केले, का मी त्याचे अचीवमेंट तुम्हाला सांगणार नाही पण त्याचे ड्रॉबॅक मी तुम्हाला सांगेल। माझ्या जीवनामध्ये एक रॉंग चॉईस माझं आयुष्य बर्बाद करून गेली। मित्रांनो मी 5.5 महिन्यामध्ये म्हणजे 5.5 महिन्यामधलं माझा टर्नओव्हर होता 150 करोड 5.5 महिन्याचा, एकदम ताफा घेऊन उतरलो मार्केटमध्ये, एकदम जबरदस्त, नाव नाही सांगणार त्या कंपनीचं मी, और बहुत जोरदार काम किया, बहुत जोर से काम किया, और बहुत बुरी तरह आज के 18 महीने पहले हम गिर गए, और उसमें सबसे ज्यादा मैं गिरा, क्योंकि हम स्टेज पे बात करते थे जैसा आज सब लीडर लोग स्टेज पे आके बात करते कि यस जिंदगी बनेगा, करियर बनेगा, यही बात उस टाइम करते थे। लेकिन दोस्तों एक रॉन्ग चॉइस जिंदगी बर्बाद कर दिया, 22 करोड़ ऐसा वो कंपनी के अकाउंट में चला गया जो लोगों को प्रोडक्ट भी नहीं मिला। और डीएक्सएल चालू करने से पहले मेरा थोड़ा स्टोरी बताना चाहता हूं कि 4 महीना मैं अंडरग्राउंड था, अंडरग्राउंड यानी मैं घर पे नहीं जाता था, मेरा बच्चा जन्म हुआ उसी दूसरे दिन कंपनी बंद हुआ था, 4 महीना मेरे बच्चे को मैं देख नहीं पाया। फिर उसके बाद कुछ लोगों पे FIR हो गया, मैं थोड़ा डिटेल में बोलता हूं, FIR होने के बाद हम अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड यानी बहुत सारी चीजें तकलीफ में आ गई। फिर डीएक्सएल कैसा है, मैं बिफोर में जाना बता के मैं इन डीएक्सएल में आना था चाहता हूं, जब आभा शिरसागर बोले कि नहीं ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डायरेक्ट सेलिंग, मेरा पूरा फैमिली निगेटिव हो गया, मैं निगेटिव हो गया कि नहीं करना, लेकिन आभा शिरसागर ने मुझे बोला, सर ने बोला कि आप कर सकते हैं, आप डीएक्सएल देखो, और डीएक्सएल का मैंने स्टडी किया, मुझे बिलीव दिया मिस्टर रफीक सर, मैं सच में उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैनेजमेंट को, मैंने कंडीशन ही वैसा रखा था, मैं मैनेजमेंट को मिलूंगा सबसे पहले। उसके बाद जब मैं डीएसएल स्टार्ट किया 1 ऑगस्ट, आज बरोबर 155 दिवस झाले मित्रांनो, मागच्या 1 महिन्याचा चेक माझा 1,02,000 रुपयाचा, रिअली सांगतो ती घटना डिटेल मध्ये नाही सांगणार मी, पण राजेश सगळ्या सरांनी मला एक काउन्सिलिंग केली होती की मुकुंद तुझा जो पण प्रॉब्लेम असेल ना म्हणजे किती मोठा असेल तो डीएक्सएल मध्ये सॉल्व होणार, तू मजबूत बन,
तुला उद्या पोलीस पण घेऊन नेले ना, तू टेन्शन घेऊ नका, तुझ्या अकाउंटला तू घेतलेत का? ज्या गाडीचा तू ड्रायव्हर नाही, मला इतकं भारी त्यांनी समजून सांगितलं, ज्या गाडीचा तू ड्रायव्हर नाही, ज्या गाडीचा तू कंडक्टर पण नाही, जी गाडी तुझी नाही, त्या गाडीत फक्त तू बसला आणि दुसऱ्याला म्हणलं भाऊ तुला यायचं बस. जो गाड़ी तेरा नहीं, जो जिस गाड़ी का तू ड्राइवर नहीं, जिस गाड़ी का तू कंडक्टर नहीं, जो गाड़ी तेरी नहीं, वो कंपनी तेरी नहीं, तो तू क्यों रो रहा है या तू टेंशन में क्यों है? फिर मेरे को लगा नहीं सर, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है. फिर मुझे बिलीव दिया सर ने, आभाषी सागर सर ने, माली सर ने, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि जी अगर 10,000 लोगों का नुकसान हुआ है ना, तो डीएक्सएल में से 1,00,000 लोगों का हम प्रॉफिट करके देंगे. 1,00,000 लोगों का. आणि रियली सांगतो, 7 डिसेंबर को क्राउन तो रहूंगा, वो तो चीज फिक्स है. लेकिन कल हमने टीम में डिसाइड किया है दोस्तों कि 2 क्राउन लेके आएंगे और 3 क्राउन का मान सम्मान. और 1 तारीख में आज आपको अनाउंस करता हूं, जिस तारीख को डीएक्सएल मैंने चालू किया, 1 अगस्त, आज 1 अगस्त ला, आणि 26 सप्टेंबर, यानी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर, 26 सप्टेंबर को एक हादसा हुआ मेरे जिंदगी में डीएक्सएल में आने के बाद. मेरा BMW कार था, मेरा खुद का नया कार था, वो टोटल लॉस हुआ. यही कातरा जी बाढ़ आई और मुझे सुबह फोन आया आबाजी का कि आपकी कार पानी में है. नहीं नहीं, पानी में है. तो मैं बोला पानी में है तो निकालो उसको बाहर. मैं बोले चाबी तुम्हारे उधर है, चाबी लेके आप. वो गाड़ी मुझे पता है, टोटल लॉस हो गया. वही तारीख को 26 सितंबर 2020 को 1 करोड़ का कार डीएक्सएल की इनकम से रफीक सर के हाथ में से मुझे चाबी लेना है. महीने दिला मिले भारी लोग बंदी कंपनी की करते हैं प्रॉब्लम है. यस, तो कंपनी ये तो कंपनी तो जबरदस्त है. और डीएक्सएल में सच में मैं जी रहा हूं अभी. मैं तो पहला 15 महीना तो मर ही गया था, लेकिन डीएक्सएल में 155 दिन है. सच में बोलता हूँ, मेरा फैमिली खुल गया. कल पे मेरा फैमिली के साथ आया था, फैमिली ने देखा, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया कंपनी, ऐसा वैसा. तो फैमिली को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया. और दोस्तों सच में हम भी सक्सेस बनेंगे, आप भी सक्सेस बनेंगे. मुझे पता नहीं था मैं आज क्या टॉक करूंगा, क्योंकि सब आप एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं. तो मेरा बस शेयरिंग था, वो मैंने शेयर कर दिया. चाहता था आखिरी एक सेंटेंस बोल के खत्म करता हूँ. सभी अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ. एक लक्ष्य के प्रति हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए. लक्ष्य तो हर आणि ही व्हायरल करू नका व्हिडिओ बनवला तर प्लीज. हे एकदम पर्सनल शेअरिंग आहे. नाही हा खरं आहे ना. ओके, अरे हो गया. ओके, तो लक्ष्य के प्रति एक डायलॉग बोल के खत्म करूंगा दोस्तों, कि लक्ष्य में ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल. अरे लक्ष्य में ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल.